नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मेरे एक शिष्य एक मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, छोटी उम्र के हैं, तो बहुत अच्छे साधक हैं। उन्होंने एक अमल किया, उस अमल के द्वारा उनको फ़ायदा हो, और उनका मानना है कि ये अमल जो उन्होंने किया, ये कंजुल हसन नामक एक किताब है, उस किताब से किया, आलिम से इजाजत लेकर किया है, लेकिन देखा उस किताब में है। ये अमल हमजाद का अमल है, और इसमें कोई सिद्धि विद्धि का लफड़ा नहीं कि हमजाद सिद्ध होगा, कि हमजाद साथ में रहेगा, कि ये वो। इस अमल में कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कोई खौफ नहीं। आराम से, तबीयत से इस अमल को किया जा सकता है, और अपने सवालों के जवाब आप हासिल कर सकते हैं। यह अमल किया कैसे जाता है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। फरमान उनका नाम है, मथुरा के रहने वाले, 22 साल उम्र उनकी उम्र है। छोटी उम्र में ही उन्होंने तंत्र साधना में पैर रखा है, और कुछ कुछ अर्जित भी किया है। बहुत प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने इस अमल को सिद्ध करके और कुछ सवालों के जवाब हासिल किए और अपने काम निकाले। उनका मानना ऐसा है कि इस अमल के द्वारा जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, कोई भी गुप्त से गुप्त बात हो, कुछ भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप उस सवाल का जवाब इस अमल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये अमल 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक, जब तक आपके ख्वाब में हमजाद नहीं आए, उत्तर नहीं दे, तब तक आप करते रहिए। एक बार उत्तर दे दिया, उस दिन आपका अमल आप चाहो तो ख़त्म कर सकते हो। लेकिन इस अमल को आपने 40 दिन तक या 42 दिन तक लगातार कर लिया, तो आप साधक जो होता है वो इस अमल का आलिम बन जाता है, और आलिम का मतलब होता है कि उसने इस अमल को सिद्ध कर लिया। अब वो कभी भी हमजाद से उत्तर प्राप्त कर सकता है, किसी भी सवाल का उत्तर प्राप्त कर सकता है। इस अमल को किया कैसे जाता है? इस अमल में कोई तारीख नहीं है कि जैसे नवचंदी जुम्मे रात हो कि कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी रात को यह अमल किया जा सकता है, किसी भी रात को। इस अमल में साधक को अकेले रहना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है, किसी के साथ नहीं रह सकता, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जब तक ये अमल चलता है, तब तक साधक अकेला सोएगा, अकेले घर में या अकेले कमरे में सोएगा, उस कमरे में, क्योंकि ये शैतानी है, थोड़ा शैतानी हमजाद है ना, इसलिए परिवार के बीच में रह करके इसको नहीं करना है, थोड़ा सा अलग कमरा कोई लेकर के उसमें कर सकते हो। बहुत बढ़िया अमल है। आप इस अमल को एकांत स्थान में, खिलवत में करेंगे, रात के किसी भी समय में जब आप सो रहे हों, तब इस अमल को करेंगे। इस अमल में साधारण जो माला होती है मुसलमानों में, जो वो प्लास्टिक के दानों की जो माला होती है, वो ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सिद्ध माला की आवश्यकता नहीं। खाट को बिछा करके आपको 4 ताबीज़ बनाने हैं। ताबीज़ कैसे? 4 कागज़ के टुकड़े लीजिए, पेन से ले लीजिए, आराम से पेन से, काले पेन से 4 सफ़ेद कागज़ के टुकड़ों पर आपको एक मंत्र लिखना है, एक अमल लिखना है। अमल क्या है? फिरौन, कारून, अब्बू, हम शैतान, हामान, सद्दाद, ये एक मंत्र है। इस एक मंत्र को एक कागज़, फिर दूसरे कागज़, फिर तीसरे कागज़, फिर चौथे कागज़, इन 4 कागज़ों पर लिख करके, हर कागज़ को फोल्ड करके, आपको 4 पाई के जो 4 खंबे होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 उन 4 पैरों के नीचे आपको एक एक करके लगा देने। लगा दिया, अब आप उस 4 पाई पर बैठ जाइए सोने के लिए, और अपने नाम के आदाद के अनुसार, जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम कमल है, कमल पंडित है, तो कमल पंडित के नाम के आदाद जो भी बनते हैं, उस आदाद के अनुसार जितने अंक बनते हैं, जितने अक्षर बनते हैं, उन अंकों के अनुसार आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है, हमजाद ख्वाब में न आए तो हमजाद ख्वाब में न आए तो दुहाई अब्बू हम शैतान की, हमजाद ख्वाब में न आए तो दुहाई अब्बू हम शैतान की, ये आपको पढ़ना है।
यह पढ़ने के बाद में फिर 41 मर्तबा आपको एक और मंत्र है उसका भी जाप करना है। मंत्र है काली चमड़ी बिस्बरी अनत की अमरी, काली चमड़ी बिस्बरी अनत की अमरी। इस मंत्र का आपको 41 मर्तबा 41 बार जाप करना है। फिर आप कल्पना कीजिए, जो आप आपके सवाल हो, कुछ भी हो, शेयर बाजार का पूछना हो, सट्टे का पूछना हो, किसी गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, आपका कोई काम करवाना हो, अमजाद काम भी करता है छोटे मोटे, कोई भी काम हो काम भी कर देगा आपके, तो आपको कोई काम करना हो तो उसके बारे में आप विचार कीजिए। विचार करते करते सो जाइए, और सो जाएंगे तो रात आधी रात जब आप गहरी नींद में होंगे तब हमजाद आपको दिखाई देगा। और काम यदि खुद कर सकता है तो खुद कर देगा, नहीं तो आपको तरीका बता देगा। जो सवाल आपके हैं शेयर बाज़ार के हैं, सट्टे के हैं, लॉटरी के हैं, वो शेयर बाज़ार सट्टे लॉटरी के आपको जो भी नंबर पूछेंगे नंबर बता देगा, जो कुछ भी आप पूछोगे वो आपको उत्तर दे देगा। एकदम आसान है ये उत्तर, आपको 2 दिन में दे सकता है, 4 दिन में दे सकता है, 12 या 13 दिन के भीतर भीतर हमजाद आपको दर्शन देना शुरू कर देगा, दीदार करना अपना दीदार कराना शुरू कर देगा, प्रत्यक्षीकरण शुरू हो जाएगा। सपने में प्रत्यक्षीकरण, जागते आंखों से नहीं। इस प्रकार से हमजाद आपके सारे सवालों का जवाब देगा। अब जो नाम के आदाद हैं उनको ध्यान से समझ लें। मुसलमानों में कुछ किताबें, इस्लाम में कुछ किताबें हैं जिन किताबों में इन अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। वो किसी अच्छे मौलाना से पूछ लीजिए कि नाम के आदाद कैसे देखते हैं, तो आपके नाम के आदाद बता देगा। इल्म नजूमी नाम की किताब, इल्म नजूमी किताब में इसका विस्तृत वर्णन है, वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि किस तरह से आप नाम के अक्षर निकालेंगे। आप किसी भी मौलाना से जाकर के अक्षर पूछ लेना। जैसे मेरा नाम है कमल पंडित, अब कमल पंडित में मान लो जैसे 6.5 अक्षर आते हैं, तो 6.5 अक्षर ही नहीं है, वो अरबी में नाम लिखेंगे या उर्दू में नाम लिखेंगे, अरबी या उर्दू में लिखेंगे, जो भी उनका वो मेथड है उसमें लिखेंगे। फिर उसके एक एक अक्षर के अनुसार अलग अलग अक्षर बनते हैं, उन अक्षरों को सारों को जोड़ना पड़ता है। तो मैंने जब अपना नाम का निकलवाया तो कमल किशोर नाम से मान लो जैसे मैंने निकलवाया, तो कमल किशोर के 92 अंक मेरे नाम के तो बनेंगे नहीं, कमल किशोर तो 6.5-7 अक्षरों का नाम है बस, इससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। लेकिन इस्लाम में कुछ अलग विधि है, उस अलग विधि से आदाद निकाले जाते हैं, तो उसमें आप किसी मौलाना से पूछ करके अच्छी तरह से अपने आदाद निकलवा लीजिएगा। फिर उसके अनुसार आप हमजाद के मंत्र का, मैंने बताया ना हमजाद ख्वाब में ना आए तो दुहाई अब्बू हम शैतान की, इस मंत्र का नाम के आदाद के अनुसार जाप करना है। फिर 41 मरतबा जो दूसरा मंत्र बताया वो करना है, और जो मैंने तीसरा मंत्र बताया वो 4 पाए के नीचे आपको देना है। इस प्रकार से आप जो भी कोई सवाल हो उस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। बड़ा सरल है, बहुत आसान है, इसमें कोई भी प्रकार का डर भय खौफ कुछ भी नहीं है, ना आपको ना आपके परिवार को। फिर भी एकांत में करना, इसमें साफ निर्देश दिया हुआ है कि शैतानी है, इसलिए एकांत में करना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।